अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अली इमरान। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, बल्कि आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि फेसबुक को आप एज ए बिजनेस किस तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के सबके अकाउंट्स होंगे फेसबुक पे, आप लोग डेली की पोस्ट वगैरह भी करते हैं, आपको बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स का पता है कि आपने प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करना है, आपने पोस्ट किस तरह से शेयर करनी है, और इसी तरह से बेसिकली आपने जो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किस तरह से करने हैं, मैसेज किस तरह से करने हैं। लेकिन अभी मैं जो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी जो कि फेसबुक को एज ए बिजनेस के तौर पे यूज करना चाहते हैं, या फिर किसी के बिजनेस में वो जॉब करना चाहते हैं कि लाइक उनके बिजनेस अकाउंट को डील करते हुए एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो इस सिलसिले में आपको मैं हेल्प आउट करूंगा। इसमें बेसिकली हम बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा कि इसमें आपने एक जो है बिजनेस अकाउंट जो है रन करना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। जिस तरह से आपको पता होगा कि आप अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, तो आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल होता है वो आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन जब आप बिजनेस के तौर पे जाते हैं तो जो फेसबुक पेज होता है वो बिजनेस की आइडेंटिटी है। फेसबुक पेज क्या होता है मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। जिस तरह से आप ये मेरे प्रोफाइल के साथ राइट साइड पे प्लस का साइन देख रहे हैं, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम डाउन आते हैं, तो ये आप देख रहे हैं पेज। हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें न्यू पेज को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। लेट से आप देखेंगे कि यहाँ पे पेज का नेम है, कि पेज का नेम आप क्या देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे नेम देता हूँ वर्चुअल लर्निंग एंड मेंटोरिंग। इसमें बेसिकली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक पेज ऑलरेडी मेरा यहाँ पे इस नाम से डेवलप हुआ हुआ है, मैं उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, इसलिए मैं नाम वही वाला यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैं बेसिकली आपसे ये शेयर करता हूँ कि आपने इसको क्रिएट किस तरह से करना है। लेट्स से कि मैंने अपना पेज का जो नेम है वो जो चूज़ किया है उसका नेम है वर्चुअल लर्निंग एंड मेंटोरिंग। इसके बाद आ जाती है कैटेगरी, आपकी ये कैटेगरी किससे है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरी एजुकेशन की कैटेगरी है, और ये आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप क्या देना चाहते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन अपने उसी पेज की ही शेयर कर लेता हूँ इसमें वर्चुअल लर्निंग की, कि उसमें मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वही मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये मैं इधर से कॉपी करता हूँ इसे, कि बेसिकली मैं आपको जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से लोगों को आप में से बेसिकली फेसबुक का पेज जो है क्रिएट करना आता होगा, लेकिन मैं चूंकि बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके चलना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है या बेसिकली उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए भी ये हमारी जो वीडियो है वो यूजफुल हो। अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखें, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बेसिकली जिस तरह से मैंने पेज का नेम रखा है वर्चुअल लर्निंग एंड मेंटोरिंग, तो ये साथ साथ यहाँ पे ये आ भी रहा है, उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने उसकी कैटेगरी एजुकेशन सिलेक्ट की है तो वो यहाँ पे आ गई है। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कंटेंट दिया है वो यहाँ पे अबाउट में आ गया है। अब इसके बाद मैं करता हूँ जी क्रिएट पेज। इट लुक्स लाइक यू ऑलरेडी मैनेज अ पेज नेम्ड वर्चुअल लर्निंग एंड मेंटोरिंग, प्लीज चूज अ डिफरेंट नेम। अच्छा जी, हमें लाइक इसमें डिफरेंट नेम करना है। लेट से मैं इसका नाम लिख लेता हूँ मेंटोरिंग की जगह पे मेंटोर, मेंटोरशिप कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि लाइक अगर ये हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है, होपफुली अब हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। अब मैं पेज क्रिएट करता हूँ और अभी ये वर्किंग कर रहा है, और वर्चुअल लर्निंग आई थिंक
उसने हमें अलाउ कर दिया है कि हम बेसिकली इसमें ये नेम चूज कर सकते हैं। अब हमारी तीन चीजें हो गई हैं। अब उसके बाद उसने मजीद ऑप्शंस हमारे आगे शेयर की हैं, जिसमें प्रोफाइल फोटो है। लेट से मैं इसके लिए प्रोफाइल फोटो जो भी है अपनी इसमें से चूज कर लेता हूँ। लेट से मैं इसमें कहता हूँ कि कोई भी आप इसमें पिक्चर जो भी आप चूज करना चाहते हैं, मैं इसके लिए अपना ये लोगो यूज कर लेता हूँ। वर्चुअल नहीं, मैं कोई डिफरेंट ले लेता हूँ। इसमें ये वर्चुअल लर्निंग का है, तो ये मैं इसे यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब उसके नीचे आएंगे तो आपको उसका वो आपसे पूछ रहा है कि आप कवर पे क्या लगाना चाहते हैं। लेट्स से मेरे पास जो अपना ये कवर पड़ा हुआ है, मैं इसी कवर को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये आप देखें कि अब मेरी ऑलमोस्ट यहाँ की ऑप्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें सेव करूंगा और वो आपसे कह रहा है कि अगर आपने कोई ड्रैग करके अपनी कोई पिक्चर की या कवर की सेटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट नंबर की डिटेल मांगी जा रही है। कनेक्ट योर फेसबुक पेज, आप यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर सकते हैं जब यहाँ पे बनाते हैं। तो लेट से मैं इसे लीव कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा वर्चुअल लर्निंग एंड मेंटोरशिप का एक पेज क्रिएट हो चुका है, जिसमें ये सारी पोस्ट वगैरह यहाँ पे शो हो रही है। अब ये देखें कि मैंने बेसिकली ये देखें यहाँ पे मेरी कैटेगरी आ रही है एजुकेशन की। अब ये इसमें सारी ऑप्शंस आ रही हैं और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे जिस तरह से पेज है, न्यूज फीड है, अपडेट्स हैं कि इसमें अपडेट कौन सी आई है, इस तरह से इनबॉक्स है। इनबॉक्स में जो भी आपको मैसेज वगैरह आएंगे वो सारी डिटेल्स इसमें होंगी। अब इस तरह से बाकी भी सारी ऑप्शंस हैं, ये वन बाय वन हम आपसे शेयर करेंगे। अब आगे जिस तरह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एडिट पेज इन्फो, हम इस पे क्लिक करते हैं। अगर हमने इसमें से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन इसमें मजीद ऐड करनी है, लेट से अगर हमने कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना है, ईमेल आईडी शेयर करना है, इसी तरह से अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, और उसके बाद अगर हमारी कोई शॉप है या इस तरह से हमारा बिजनेस है तो उस वहाँ पे अगर हमारी फिजिकल किसी किस्म की लोगों की आमद है तो उसके लिए हम अपना एड्रेस भी शेयर कर सकते हैं। उसमें सिटी और जिप कोड वगैरह सारी डिटेल्स आप ये शेयर करेंगे। इसी तरह से आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपकी सर्विसेज की कैटेगरी है या जो भी कैटेगरी आपकी इसमें आती है वह आप उनमें से चूज कर सकते हैं। बाकी वो आपके वर्किंग आवर्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके जो वर्किंग आवर्स किस तरह से हैं। आप लेट से मैं कह देता हूँ ऑलवेज ओपन, हमारी ये एक सर्विसेज हैं जो कि ऑलवेज विल इट विल बी ऑलवेज ओपन। इसके बाद टेम्पररी सर्विस चेंज है, जिसमें ओपन विद सर्विस चेंजेस, टेम्पररी क्लोज, ये बेसिकली कुछ मजीद ऑप्शंस हैं। अगर फ्यूचर में आपको इनकी जरूरत पड़ती है तो आप उस तरह से दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप ये दे सकते हैं, ये देखें ये प्राइस रेंज है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में या अपने कोई बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक आपकी प्रोडक्ट है तो उसमें आप अपनी प्राइस रेंज भी दे सकते हैं कि, लेकिन हम अभी फिलहाल इसमें अनस्पेसिफाइड करेंगे। और बाकी आप अपने बाकी के अकाउंट्स वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह और ये सारी चीज़ें इसमें शेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास आ गया है। लेकिन अभी मैं इस पे सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में आप देख रहे हैं कि आपने इस पे किसी किस्म की अगर कुछ चेक्स वगैरह अप्लाई करने हैं कि आप ने बेसिकली अगर कोई सर्विसेज किसी को दे रहे हैं तो उसमें किन लोगों के लिए ये पेज होना चाहिए, और उसमें चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए या आपके एडल्ट्स के लिए होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिकली उसमें फिल्टर्स वगैरह भी आप देख रहे हैं, ये सारी ऑप्शंस इसमें आपके लिए हैं। ये भी हम बाद में लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह से, लेकिन फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप एंड पे देख रहे हैं रिमूव पेज की ऑप्शन आ रही है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। वो मेरे से पूछ रहा है परमानेंटली डिलीट वर्चुअल लर्निंग एंड मेंटोरशिप, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसका पेज अवेलेबल है। मैं वहाँ पे मेरे पास काफ़ी डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। जिस तरह से ये मेरा पेज है,
इसे मैं अब इस वक्त ओपन कर लेता हूं और इसकी जो भी ऑप्शंस हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेट से मैंने यहां पे अपना कवर पेज सेट किया हुआ है, इसी तरह से मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहां पे शेयर की हुई है। आप इस सेक्शन में आते हैं तो यहां पे मेरी पोस्ट्स यहां पे डिस्प्ले हो रही हैं, जो जो मैंने पोस्ट की हुई हैं आप ये देख रहे हैं। जिस तरह से ये मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे शेयर किया हुआ है और कुछ वीडियोस वगैरह मैंने अपने लेक्चर्स की शेयर की हुई हैं। ये बेसिकली सारी डिटेल्स आप जिस जिस तरह से आप करते रहते हैं तो ये आपकी शेयर होती रहती हैं। अब आपने ये डिटेल्स शेयर करनी किस तरह से है, आज हमारा बेसिकली जो पहला लेक्चर है वो इस चीज पे फोकस करेगा कि हाउ यू हैव टू रन योर एड्स ऑन योर बिजनेस फेसबुक। उसके लिए बेसिकली आप ये देखेंगे कि जिस तरह से मैंने पहले भी ये क्लिक किया था, प्लस का साइन है, इसमें आपके पास दो एड मैनेजर्स होते हैं। सबसे पहला तो ये आपके जो प्लस के साइन में आप पेज के नीचे देखेंगे, ये आपके पास एड की ऑप्शन दे रहा है। ये आपका मीडिया मैनेजर है कि आपने यहाँ से इसके लिए अगर कोई एड वगैरह प्लेस करना है, अपनी कोई पोस्ट जो है उसे बेसिकली आपने प्रमोट करना है, तो इन पर्पसेस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बेसिकली इसमें ऑप्शन ये होती है कि business.facebook.com। ये आप जब करते हैं तो आपका बिजनेस अकाउंट जो है फेसबुक का ओपन हो जाता है। आप ये देखें कि जिस तरह से अभी चूंकि मेरा अकाउंट ये ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ था, लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम करना है तो वो आपसे डिटेल्स मांगेगा कि आपके अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो आपने इसमें मेंशन करनी है। इसमें बेसिकली अब इसका जो है आप इस वक्त जो डैशबोर्ड देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें बेसिकली जिस तरह से होम पेज है उसमें आगे एक्टिविटीज हैं कि आपकी एक्टिविटीज इस वक्त कौन सी चल रही हैं। इसमें लेट से कोई मुझे कोई इनवाइट्स वगैरह आए हैं या इसी तरह से कुछ मेरे पास कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा होगा। इसी तरह से इनबॉक्स है और फिर पोस्ट एंड स्टोरीज हैं कि मैंने जो भी पोस्ट वगैरह की हुई हैं इस वक्त उनकी डिटेल्स शेयर करेगा। आगे उनकी बेसिकली जिस तरह से आप मैं ये सबसे जो टॉप पे है इसी पोस्ट के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। इसमें डेट पब्लिश्ड आ रही है March 29, 2021। इसमें रीच आपको शुरू कर रहा है कि 9 पीपल रीच इसमें आ रही है। इसी तरह से इंगेजमेंट इसकी जीरो है, लेकिन उसके नीचे आप आएंगे तो आपको इंगेजमेंट भी इसमें बाकी पोस्ट में नजर आ रही है। ये चूंकि अभी मेरा रिसेंटली ओपन पेज है और इसमें इस वक्त मेरी पोस्ट काफी कम है, इसलिए इसमें इंगेजमेंट वगैरह और रीच जो है काफी आपको कम आ रही है। इसी तरह से कुछ रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस में आप क्या है, अगर आपके किसी ने लाइक किया है पेज को, किसी ने डिसलाइक किया है, या इसने कोई स्माइल या किसी किस्म का कोई आपके कह लें कि इमोशंस आपके पेज के लिए शेयर किए हैं, तो वो बेसिकली डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है। इसी तरह से आपके कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने अगर कोई कमेंट किया हुआ है तो वो उनकी डिटेल्स आ रही होती हैं। आपकी ये पोस्ट कितनी दफा शेयर हुई है और बेसिकली इनकी डिटेल्स यहाँ पे, ये बेसिकली आपका एक डिटेल्ड पेज होता है जो कि आपको शो कर रहा होता है कि आपकी बेसिकली इस वक्त एक्टिविटीज किस तरह से है। अच्छा जी, इसके बाद हमारी ये ऑप्शन है जिस तरह से एड्स पे हम क्लिक करते हैं, वो आपसे कह रहा है आप शो मोर डिटेल्स इन एड्स मैनेजर। में कहता हूं कि मुझे एड्स मैनेजर पे लेके जाए ताकि मैं सारी डिटेल्स वहां पे देख सकूं। अभी तक मैंने बेसिकली किसी किस्म की कोई एड यहाँ पे उस तरह से प्रमोट करने के लिए प्लेस नहीं की है, इसलिए मेरे पास ये वाला जो है। अब यहाँ पे जिस तरह से क्रिएट है, क्रिएट जब मैं करता हूँ तो इसमें बेसिकली मुझे वो आगे ऑप्शन देगा, लेकिन चूंकि ये हमारी आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें बेसिकली मैं जस्ट ये बताना चाहता था कि आप लोगों ने एक एड को रन करने के लिए बेसिकली कौन सी इनिशियल चीजें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। बाकी आपने उसका जो कॉन्टेंट होगा, जिस तरह से आपने अगर कोई पिक्चर है, कोई पोस्ट है, वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। इसी
इसी तरह से अगर आप कोई लाइक आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल का कंटेंट आपके पास ऑलरेडी जो है लाइक प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई वीडियो है तो वो वीडियो ऑलरेडी आपके पास वहां पे रिकॉर्डेड हो, ताकि जब आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है तो यहाँ पे आपको बेसिकली सारी चीजें आप साथ साथ प्लेस करते जाएं, और बाकी इनकी जो भी किसी किस्म की अगर स्केजुलिंग करनी है आपने उसी टाइम पे लाइक प्लेस करनी है अपनी जो एड है, या फिर आप लेटर ऑन किसी और टाइम पे प्लेस करना चाह रहे हैं। इसमें ये भी ऑप्शन होती है कि लेट से अगर आप आपके 3 एड्स हैं, आप ये कहते हैं कि एक एड मेरा रात 12 बजे रन हो जाए, दूसरा लाइक 6 AM पे रन हो जाए, और नेक्स्ट जो है 11 AM पे आपका जो है लाइक एड रन हो जाए, तो वो बेसिकली ये भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो आप लोग बेसिकली इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि आपको भी आइडिया होगा कि इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं सोशल मीडिया के लिए। आप लोगों ने लाइक एज एन एंटरटेनमेंट तो फेसबुक को बहुत यूज करते हैं, लेकिन मैं बेसिकली आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो इतना टाइम आप इस पे स्पेंड करते हैं तो ये आपके लिए यूजफुल हो और आप इससे कुछ अर्न भी कर सकें। तो आज की वीडियो को हम लाइक यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं वन बाय वन इनकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो आप लोग जरूर मेरे से शेयर करिएगा। मैं इंशाल्लाह एज अर्लीस्ट इसको लाइक रिस्पॉन्ड करूंगा। बाकी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।